जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उससे दुगनी तेजी से ऑनलाइन ठग अपग्रेड हो रहे हैं और इसका फायदा उठाकर साइबर ठग भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दिल्ली में एक छात्रा को सोशल मीडिया पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया। गनीमत रही कि छात्रा के माता पिता को इस बारे में भनक लग गई और वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस जांच में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और आरोपी को उत्तराखंड से गिरफ्तार तक कर लिया गया। लिहाजा ऐसे सोशल मीडिया स्कैमर्स से खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सोशल मीडिया का क्रेज लोगों में कितना है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये देखा भी जा सकता है कि आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रो रहे हैं या हंस रहे हैं। यूजर्स हर बात को साझा करते रहते हैं, यानी आज के युग में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज की तारीख में शायद ही कोई होगा जो नहीं करता होगा। लेकिन जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं आए दिन कई अपराध भी देखने को मिल रहे हैं। अपराधी या जालसाज इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और उन्हीं अपराधों में से एक है व्हाट्सएप ब्लैकमेलिंग। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फेक आईडी से स्नैपचैट पर अपना प्रोफाइल बनाया था और इसी आईडी से एक स्कूली छात्रा से दोस्ती की और फिर उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक छात्रा समझ ही नहीं पाई कि वो साइबर ठग के चंगुल में फंसती जा रही है। फिर गेम के नाम पर आरोपी ने पीड़िता से उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली। दरअसल आरोपी गेम के नाम पर पीड़िता को डेयर दिखाने को कहता। पीड़िता उसके झांसे में आ गई और अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो आरोपी के साथ शेयर कर दिए। इसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। आरोपी लड़की को ब्लैकमेल करने लगा जिससे वो परेशान रहने लगी। जब इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। 20 फरवरी को पीड़ित लड़की के पिता दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाने पहुंचे और शिकायत में कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसे कोई अनजान शख्स धमकी दे रहा है और डरा धमका कर ब्लैकमेल कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी ने लड़की की निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी है। पीड़ित लड़की के माता पिता ने ऑनलाइन क्लास की वजह से उसे स्मार्टफोन दे रखा था, लेकिन एक दिन बच्ची की माँ ने जब अपनी बेटी के मोबाइल को देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें मोबाइल में स्नैपचैट प्रोफाइल में उनकी अपनी बेटी की न्यूड फोटो और वीडियो मिली। साउथ वेस्ट जिले के DCP रोहित मीणा के अनुसार शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस मामले में पॉक्सो और 354D की धारा के तहत FIR दर्ज कर ली और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। वहीं जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को एक लड़की के रूप में पेश किया और उसके साथ चैट करना शुरू कर दिया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने सबसे पहले आरोपी के सोशल मीडिया प्रोफाइल की तफ्तीश की। पुलिस की जांच में पता चला कि ये प्रोफाइल नकली आईडी पर बनाया गया है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल फुटप्रिंट के जरिए पता लगाया कि आरोपी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में है। 20 फरवरी को पुलिस ने उधम सिंह नगर में छापेमारी कर 27 साल के सुभान अली को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी के स्मार्टफोन को भी जब्त कर लिया है जिससे वो स्नैपचैट की आईडी चलाया करता था। दिल्ली पुलिस आरोपी के मोबाइल की फोरेंसिक जांच करवा रही है ताकि ये पता लग सके कि सुभान ने दिल्ली की इस पीड़ित छात्रा के अलावा और किसी को ब्लैकमेल तो नहीं किया। सुभान अली ने जिस शातिराना तरीके से इस मासूम छात्रा को अपने जाल में फंसाया वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस अब उसके पूरे प्रोफाइल को खंगाल रही है। उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया है, उसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि ये पता लग सके कि उसने अब तक कुल कितनी छात्राओं को अपना शिकार बनाया।
ऐसे में सवाल है कि भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे तो क्या करना चाहिए। कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके तहत वीडियो के साथ ब्लैकमेल करना दंडनीय अपराध माना गया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप फोन पर किसी नए नंबर के कॉल को रिसीव करने से पहले उसका नाम देख सकेंगे। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम नेटवर्क में कॉल करने वाले शख्स का नाम फोन स्क्रीन पर दिखाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। इस सर्विस के शुरू होने पर आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का असली नाम फ्लैश हो जाएगा। ग्राहक ने जिस नाम से मोबाइल कनेक्शन खरीदा है वही नाम दिखेगा। इसका मतलब है कि फर्जी कॉल्स पर लगाम लगेगी और असली कॉल करने वाले की पहचान हो जाएगी। अभी तक मोबाइल पर कॉल करने वाले शख्स का नाम लिखकर नहीं आता है, अभी सिर्फ नंबर दिखाई देता है। लेकिन कॉलर नेम प्रेजेंटेशन की सुविधा के बाद कॉल करने वाले हर शख्स का नाम लोगों के मोबाइल पर दिखाई देगा। ऐसे में लोगों को अनचाही कॉल से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोग इस झांसे में फंसकर ब्लैकमेलिंग का शिकार भी हुए हैं। लोग शर्म और इज्जत जाने के डर से केस भी दर्ज कराना नहीं चाहते, जबकि ऐसे मामलों में पुलिस के पास शिकायत करनी चाहिए। लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर से बचने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीष चौरसिया और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 50 लाख राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जब लोग रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां रुकने के लिए होटल या फिर धर्मशाला की बुकिंग करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वहां पहुंचते हैं तो बुकिंग कैंसिल बता दी जाती है। अयोध्या में साइबर ठग इसी का फायदा उठा रहे हैं, यानी ऐसे होटल जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है या फिर जिन धर्मशालाओं में ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है उनकी फर्जी वेबसाइट बनाई गई है। साइबर ठग इन्हीं फर्जी वेबसाइट्स के जरिए भोले भाले लोगों को फंसाकर अच्छी खासी रकम ऐंठ लेते हैं। लिहाजा अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो साइबर ठगों और जालसाजों से, उनके झांसे से आप बचें, उसमें ना आएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ये देखिए, दो बार कॉल इन्होंने मुझको किया, उसका मैंने कई बार कॉल किया, उन्होंने कॉल मेरी पिक नहीं की। कहावत है सिर मुड़ाते ओले पड़ना। भगवान राम की नगरी अयोध्या में कुछ ऐसा ही हुआ। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहीं ठगों ने अयोध्या नगरी को अपना ठिकाना बना लिया। लंबा इंतजार, आस्था में सराबोर लोग दूर दूर से अपने आराध्य के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं और यही निशाने पर हैं उन साइबर ठगों के, जो इनको निशाना बना रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको लूट रहे हैं। आप देखेंगे ये जन्मभूमि पथ है जहां से लोग दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर में जाते हैं, और अब ठीक इसी के सामने ये आप देखेंगे तो ये है बिरला धर्मशाला। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अब तक लगभग 25 से 30 लोगों को इसी बिरला धर्मशाला में ऑनलाइन बुकिंग कमरा दिलाने के नाम पे लूटा गया और ये एक अलग अलग वेबसाइट और अलग अलग नंबर बना करके उनको अपना शिकार बनाया गया और ऐसे जो भक्त हैं उनसे पैसा लूटा गया। किसी ने अयोध्या आने से पहले ठहरने के लिए होटल में ऑनलाइन कमरा बुक किया, मगर यहाँ आने के बाद पता चला किस नाम का तो होटल ही नहीं है। वहीं कोई अयोध्या आने के बाद जब ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला पहुंच रहा है तो पता चल रहा है कि उसके नाम से तो कमरा बुक ही नहीं है। सर, मैंने बुक किया था ऑनलाइन और ये देख लीजिए, अब मेरे पास ये प्रूफ भी है। 2000 मैंने एक शेयर किया है और 500 एक शेयर किया है। जो जिसको पैसा भेजा गया था वो नंबर था 88 26 53 26 09। जो नंबर बिरला धर्मशाला के नाम पे कॉलिंग करेंगे आप, देखिए मैं आपके सामने कॉलिंग करने जा रहा हूँ, बिरला धर्मशाला के नाम से नंबर आ रहा है। अयोध्या में इस तरह की घटनाएं इन दिनों आम हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि पथ के ठीक सामने ही बिरला धर्मशाला है, वहाँ अब तक इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिन्होंने बिरला धर्मशाला की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कमरा बुक किया था। इसमें से 3 लोगों ने तो भुगतान भी कर दिया था। जब आप 8736872122
पर कमरा बुक कराने के लिए कॉल करेंगे तो ट्रू कॉलर में आपको बिरला धर्मशाला का नाम दिखाई देगा और इस नंबर पर आपकी बात भी होगी, कमरा भी बुक हो जाएगा। ऐसे ही एक श्रद्धालु ने बिरला धर्मशाला में कमरा बुक कराया और इसके लिए उन्होंने 8826532609 मोबाइल नंबर पर कुल 2500 रुपए का भुगतान भी किया, लेकिन जब वो बिरला धर्मशाला पहुंचे तो उनके नाम पर कमरा बुक नहीं था। मगर अयोध्या आने के बाद जब वो ठहरने के लिए पहुंचे तो बिरला धर्मशाला के मैनेजर ने बताया कि उनकी न तो कोई वेबसाइट है और न ही ऑनलाइन रूम ही बुक होता है। क्योंकि बिरला का नाम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है सर, कुछ न कुछ इस पे मुझे जरूर एक्शन लेना पड़ेगा और मैं डेफिनेटली। बिरला के नाम पे अब तक कितने के फ्रॉड हो चुके होंगे इन दिनों में? 20-25 लोगों का इस तरीके से आया सर, और हमारी तो एडवांस बुकिंग बिरला फैमिली की चल रही है, हम किसी भी तरीके की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। की बात करें तो कितने का चीट हुआ होगा? आज ही 3 कस्टमर आ गए आपके पास। रकम की बात करें तो सर फिर भी 2.5 लाख 3 लाख के आसपास तो इस तरीके से रकम यात्रियों के निकल चुके होंगे। अकाउंट नंबर या उनके नंबर के आधार पर कुछ ट्रैक करने की कोशिश की या कुछ पता करने की कोशिश की? उसके नंबर चेंज हो रहे हैं सर कंटिन्यू। मैं कुछ कई बार तो मैं एज ए गेस्ट बनके उससे बात करता हूँ, बट वो नंबर उसका बदल चुका होता है। उसके अकाउंट जैसे यात्रियों से मैं उनके अकाउंट डिटेल्स चेक करता हूँ तो जब कोई दूसरा आएगा तो उसके पास दूसरे डिटेल्स होते हैं। उन्होंने वेबसाइट पर दिए नंबर से चैट दिखाई और ऑनलाइन भुगतान का सबूत भी दिखाया, मगर सब बेकार। तब उन्हें पता चला कि वो तो साइबर ठगों के शिकार हो गए। अभी तक सर इस तरीके से मेरे सामने 20 से 25 मामले आ चुके हैं और मैं लोगों से यही अपील कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि हम बिरला धर्मशाला ऑनलाइन किसी भी साइट पे नहीं है, और अगर आप किसी साइट से बुक कर रहे हो तो आप रजिस्टर्ड साइट पे जाइए, जैसे कि मेक माई ट्रिप हुआ, ट्रिवांगो हुआ, गो आईबीबो हुआ, उस पर आप देखेंगे उस पर आपको बिरला धर्मशाला नहीं मिलेगा। जो वेबसाइट है उस पे नंबर भी दिया हुआ है, आप लोगों ने क्रॉस चेक किया होगा? इतनी कंप्लेंट आई तो मैं कंप्लेंट आई सर, मैं अपने निकट थाने कोतवाली में भी दे के आया, साइबर क्राइम में भी बोल के आया हूँ। अब देखते हैं उनके खिलाफ से क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो लोग। साइबर ठग अलग अलग होटल और धर्मशाला के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कमरा बुक करने के नाम पर मोटा चूना लगा रहे हैं। जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो बताया गया कि यहाँ तो ऑनलाइन बुकिंग होती ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं अब ये बिरला धर्मशाला का एक मामला नहीं है, अयोध्या के नंबर आप होटल हैं और नंबर आप ऐसे लोग हैं जो रोज ठगे जा रहे हैं। आज भी 4 ऐसे लोग हमें बिरला धर्मशाला में ही मिल गए जो इस ठगी का शिकार हुए हैं, और पुलिस की बात करें तो पुलिस इस पे कुछ बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि शिकायतों का अंबार उसके पास है, लेकिन अब तक नतीजे 0 हैं। जो भी इस पे कार्रवाई है वो बहुत जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था पर ठगी का मामला है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अब तक बिरला धर्मशाला के नाम पर 25 से ज्यादा ठगी के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस में शिकायत के बाद भी अभी तक सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था पिछले कुछ दिनों में। ये पता चल रहा है कि बिरला धर्मशाला और भी अन्य कई गेस्ट हाउस और होटल्स हैं जहाँ पे फर्जी श्रद्धालु जो है वो होटल बुक करा रहे हैं, और जब यहाँ पे आके देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि जो उन्होंने बुकिंग कराई थी वो फेक वेबसाइट से कराई थी। तो ये प्रकरण संज्ञान में है, साइबर सेल को सूचना दे दी गई है, उसके द्वारा जाँच की जा रही है और जल्दी इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिमित कार्रवाई कराई जाए। बताया जाता है कि कुछ ऐसे होटल हैं जिनका अयोध्या में वजूद ही नहीं है, वहीं कुछ ऐसे होटल हैं जो ऑनलाइन बुकिंग ही नहीं करते हैं, उनके नाम से फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है। वेबसाइट में कॉन्टेक्ट नंबर दिया रहता है और लोग उस पर फोन करते हैं तो उन्हें कमरे का रेट ज्यादा बताया जाता है। फिर कहा जाता है कि इस समय स्कीम चल रही है लिहाजा पैसा कम हो जाएगा, तो ऐसे ठगों और जालसाजों के झांसे में कतई ना आए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। गाजियाबाद से आई एक अनूठी तस्वीर इसी बात की वानगी पेश कर रही है, जहां पढ़ाई लिखाई करने वाली 10वीं 12वीं की छात्राएं ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को पढ़ा रही हैं जो शिक्षा से वंचित रही हैं, जिन्हें अब खुद के लिए पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला है ताकि वो भी दूसरी महिलाओं की तरह आत्मनिर्भरता की मिसाल बन सके। गाजियाबाद की सकरी सी गली में बुजुर्गों की पाठशाला लगी है, जहां पढ़ाई के बदले फीस नहीं ली जाती,
ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्हें बचपन में स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ। अब इन सभी ने उम्र की इस दहलीज पर आकर भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाया है। घर में एक बेटा है और एक बहू है, तीन पोती पोते हैं। भैया वो पढ़ने जा है, हम नंबर आवे फोन आवे कहीं से कहूंगा भैया मिलाइए तो भग जाए बाहर को ना मिलाते। भैया बड़ी खुशामद करूं जब मिला मैं, अब हम पढ़े लिखे होते तो नंबर तो मिला ले मैं। वो बचपन में हम पढ़ नहीं पाए थे जब शुरू में माँ बाप नहीं थे, तो इसलिए अब मौका मिला है तो अब पोती पोता जीरो से लाके सब अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। वो हम इतना समझ नहीं है जो हम बच्चे की बातों समझ सकें, तो हम भी सोचते हैं कि अभी उम्र तो निकली नहीं है, अभी हम बच्चों से कुछ सीख सकते हैं, तो इसलिए हम सीखना चाहते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हो सकते। खास बात यह है कि इन्हें पढ़ाने वाली टीचरों में कुछ दसवीं और बारहवीं की छात्राएं भी हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ इन्हें भी शिक्षित करना चाहती हैं। हाँ, इनकी मदद करने के लिए, इन्हें पढ़ाने के लिए, फिर सोचा कि कहीं जाएंगी, बैंक वगैरह जाते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इनको थोड़ा नॉलेज दे दें ताकि फॉर्म वगैरह भर सकें। यूनिसेफ के साथ मिलकर इस नेक पहल की शुरुआत पहले शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए हुई, लेकिन फिर इस अभियान से बुजुर्ग महिलाओं को भी जोड़ दिया गया ताकि समाज में ये महिलाएं सिर ऊंचा करके आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर सकें। जिंदगी की जिम्मेदारियों का बही खाता जब खत्म हो गया तो इन महिलाओं ने पढ़ाई की तरफ रुख किया, हाथों में कलम पकड़ ली, पेंसिल पकड़ ली और ठान लिया कि अब वो भी कुछ सीखेंगी, अपने पोती पोतों के साथ बैठेंगी तो उनको भी कुछ नया पढ़ाएंगी। यकीन मानिए कि ये अपनी किताब में कुछ नए शब्द नहीं लिख रही, बल्कि ये अपनी किस्मत को एक नया आकार देने की कोशिश कर रही हैं। कैमरामैन चैलेंज के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद। इसी के साथ न्यूज पद के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।